शाहीन बाग में बुलडोजर चलने की खबर जब मीडिया में छाई है तो ऐसी खबरें गायब हैं। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है और रुपए ने तो नीचे गिरने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर जब बुलडोजर चल रहा है तो देश का मीडिया पीएम मोदी को उनके पुराने बयान क्यों याद नहीं दिलाता जब वो कहा करते थे कि नीचे गिरने में दिल्ली सरकार और रुपए के बीच मुकाबला चल रहा है। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। शाहीन बाग में बुलडोजर की खबर देश का बड़ा मुद्दा बन गई है, जबकि हर शहर में बाजार अतिक्रमण से अटे पड़े हैं। आखिरकार मीडिया वहां पर कवरेज क्यों नहीं करता? लेकिन मीडिया के लिए वही खबर आखिरकार क्यों बड़ी हो जाती है जब मुस्लिम आबादी में कार्रवाई की जाती है? महंगाई और रुपया गिरने जैसी खबरों पर मोदी सरकार के साथ साथ वो सारे बाबा भी खामोश है जो मोदी जी का प्रचार किया करते थे। श्री श्री रविशंकर का ये ट्वीट देखिए, जब उन्होंने लिखा था कि ये जानकर खुशी हुई कि मोदी जी के आने के बाद रुपया 40 रुपए प्रति डॉलर मजबूत हो जाएगा। वहीं महंगाई के बीच रुपया गिरने पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा, घरेलू बाजार में आटा महंगा हो गया है और विश्व मुद्रा बाजार में रुपया सस्ता, आप इन दोनों के लिए थैंक यू मोदी जी कह सकते हैं। श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव के पुराने बयान दिखाते हैं कि महंगाई, काला धन और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ऐसे बाबाओं ने वक्त के साथ कैसे पलटी मार ली है। मीडिया बुलडोजर का ड्राइवर बनने को बेताब है और सत्ताधारियों को लगता है कि बुलडोजर में वोट छुपे हैं। एक आध रिपोर्टर अगर सवाल पूछता है तो अहंकार में कहते हैं कि क्या पूछ उखाड़ लोगे। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी।